गुड मॉर्निंग, आज है 22 फरवरी और मैं जा रहा हूँ अपनी i20 की थर्ड सर्विस करवाने। सेकंड बार बार इसलिए बोल जाता हूँ, मैं पिछली वीडियो में बोल दिया था, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में इतना कुछ होता नहीं है, मेजर चीज होती नहीं है, तो बार बार वही निकलता है कि भैया सेकंड सर्विस, क्योंकि वो एक ही सर्विस ढंग की हुई लगती है। पर थर्ड सर्विस है, गाड़ी जो है वो कितनी चल गई है, 17,000 से ऊपर चल गई होगी कहीं, ओके 17,535 किलोमीटर चल गई है हिसाब से। तो अभी 2,000 किलोमीटर और चला सकता था मैं, लेकिन मैं पहले ही करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में गाड़ी कोई लेके नहीं आएगा जयपुर की तरफ। और एक और सीन ये है कि अभी गाड़ी इतनी यूज़ नहीं आएगी, और जब यूज़ आएगी तो एक साथ 2,000 किलोमीटर के आसपास के लिए आएगी, तो बेटर है पहले ही करवा के रख लेता हूँ जो भी बाकी। तो टायर जो है वो भी चेंज करवाना है, जो आपने देखा होगा 2-3 वीडियो पहले मैंने बताया था एक टायर की पूरी हालत खराब हो गई, तो वो वाला टायर जो है चेंज करवाना है। देखते हैं व्हील का क्या होता है, क्या व्हील चेंज हो पाता है या नहीं हो पाता है। और इतना ही काम है, पहले मैं जाऊंगा मेरी कॉलेज, हाँ मैं एक कॉलेज है मेरी, तो वहां से कुछ पेपर कलेक्ट करना है मुझे, तो पहले मैं वहां जाऊंगा और उसके बाद चलते हैं सर्विस करवाने। इस बार जहां से मैंने गाड़ी ली थी वहां से सर्विस नहीं करवा रहा हूँ, एक दूसरी जगह से सर्विस करवा रहा हूँ। रीजन कुछ नहीं है, बस यूं ही मन कर गया उधर से करवाने का, तो वहां से करवा रहा हूँ। कॉलेज का काम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का था, 3.5 घंटे लगा दिए, 3.5 घंटे, जस्ट बिकॉज मैं नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, मैं मतलब नॉर्मल क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा था, लेट आता था, कभी जल्दी जाता था, जो भी हो। चलो छोड़ो उसको, अभी जाता हूँ कुछ खाता हूँ, थोड़ी भूख लगी, 12:30 हुई है, हल्का सा कुछ स्नैक्स वगैरह लूंगा, बर्गर वगैरह, और वो खाने के बाद में फिर सर्विस स्टेशन चलते हैं। यार मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं यहीं कहीं हुआ करता था सर्विस सेंटर, इधर वाले में चल के देखते हैं। टाटा का तो मिल गया, लेकिन टाटा में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हुंडई की गाड़ियाँ तो खड़ी है नहीं, ये तो सॉरी, हाँ हो रहा मिल गया। तो सर्विस पे दे दी है मैंने गाड़ी, और टायर्स का ही डिसाइड हुआ है कि जो टायर स्पेयर टायर का जो टायर था वो फ्रंट वाले टायर में डालूंगा, फ्रंट वाले व्हील में डालूंगा रिम में, और एक नया टायर मुझे लेना ही पड़ेगा, वो वाला भी फ्रंट में लगाऊंगा, यानी कि जो पुराने हैं वो दोनों पीछे और एक स्पेयर में, और जो नया है जो एक तो मैंने यूज़ नहीं किया और एक जो खरीदूंगा वो दोनों आगे वाले में लगेंगे, ये डिसाइड किया मैंने। उसके बाद व्हील अलाइनमेंट वगैरह करवाने पड़ेंगे, देखते हैं टायर की कॉस्ट कंपेयर करते हैं, यहाँ से ही मिलता है या बाहर, डलवाऊंगा वही एलनेक 4G, और बाद में जब वियर आउट होंगे तब कंपनी चेंज करने की सोचूंगा, फिलहाल तो यही है। सर्विस सेंटर पे बैठा था, फिर मुझे याद आया कि मैंने YouTube इंडिया के साथ एक हैंगआउट कॉल करनी थी, बट कर ली, हाँ 5 मिनट का टाइम निकाल के, लेकिन मील वाइल मेरी गाड़ी जो है वो सर्विस के लिए निकल गई है, तो शायद मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी। कॉल लगभग 10 मिनट चली, यूँ ही कुछ छोटे मोटे अपडेट्स थे फैन प्रेस वगैरह के बारे में, बाकी तो कुछ नहीं था। मैं नहीं जा रहा हूँ फैन प्रेस वगैरह में, शायद नहीं जा रहा हूँ, पता नहीं, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि पता नहीं, मैंने तो शेड्यूल वगैरह भी चेक नहीं किया, मैं क्या करूँगा वहाँ आके। तो सेकंड सर्विस हो गई है, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे सर्विस में, सॉरी थर्ड सर्विस, देखो फिर से मैं सेकंड बोल दिया, थर्ड सर्विस हो गई है लेकिन मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि कई ऐसी चीज़ें जो है छोटी मोटी चीज़ें वो छोड़ रहे थे, मुझे बार बार बताना पड़ रहा था कि ये करो वो करो, और एक बड़ी क्रूशियल चीज़ स्पार्क प्लग साफ़ करने जैसी चीज़ उन्होंने छोड़ दी, भूल गए, अब बताओ ऐसे भूलने से कैसे काम चलेगा। बट स्टिल मैंने करवा लिया जितना मुझे पता था, आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता और भूल जाए तो उसका क्या भाई है, मुझे तो पता था, मैंने देख भी लिया, बट कोई ना, एक और छोटी सी प्रॉब्लम आई थी जिसके बारे में मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप चार्जेस देखेंगे तो मुझे पड़ा 1400 रुपये, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट वगैरह नहीं करवाया। अलाइनमेंट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं एक टायर जो है मेरा वो चेंज होगा, आपको जैसे पहले पता ही होगा एक टायर फट गया था, तो वो टायर चेंज होगा, तो जहाँ से मैं चेंज करवाऊंगा वो चेंज टायर चेंज करने वाले फ्री में ही कर देंगे अलाइनमेंट, तो वहाँ जाते हैं अभी और अलाइनमेंट वगैरह वाला सिस्टम देखते हैं कि हो पाता है या नहीं हो पाता, जिस टायर वाली दुकान पर मैं जा रहा हूँ, हो जाए तो बेहतर है,
टायर एलनेक 4G अलग अलग कोटेशन मिल रही है, कोई 6,000 बता रहा है, कोई 5,800, कोई 5,500, कोई 5,400। जाके देखता हूँ कितने का पड़ता है टायर, एलनेक 4G लगवाऊंगा। और जो मैंने डिसाइड किया वो ये कि नया वाला है वो फ्रंट में लगाऊंगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बस यही है फिलहाल तो। शाम की 6 बज गई, एक और चीज नहीं कि सर्विस वालों ने मैप जो है उसका अपडेट, एवीएन का अपडेट नहीं किया। अब मैं देखता हूँ कल अगर शायद जयपुर रुका तो उनको कहूंगा, वरना मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, वहां पे मुझे याद नहीं आया वरना मैं वहीं पकड़ लेता। तो मैं पहुंचा हूँ अरोड़ा टायर्स राजा पार्क में, अब चेंज करवा रहा हूँ। ये वाला टायर जो है ये जाएगा स्पेयर व्हील में और इसमें नया टायर लगेगा। उस वाले में ऑलरेडी नया टायर लग ही रखा है जो पहले स्पेयर व्हील में। चलो अलाइनमेंट और हो गया है टायर चेंज अरोड़ा टायर्स पे। कभी आपको आना हो तो राजा पार्क में। एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एच स्पीड रेटिंग अवेलेबल थी, मेरे को वी चाहिए थी, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। कभी हुई प्रॉब्लम तो साहिल भी आया यहाँ पे, साहिल भैया ने बोला है कि प्रॉब्लम हुई तो बता देना। बाकी तो बस यही है, कभी आना हो टायर वायर चेंज करवाने तो आ जाना अरोड़ा। कौन सा एरिया है राजा पार्क में? सिंधी कॉलोनी जवाहर नगर में, जवाहर नगर राजा पार्क के पास में। बस इतना ही है, अभी चलते हैं घर पे। तो फाइनली घर आ गया हूँ और टोटल चार्जेस जो लगे वो 1428 रुपये, 1429 रुपये, 1429 रुपीज़ लगे सारे के सारे। और कम लग रहे होंगे शायद आपको, कम इसलिए लग रहे हों क्योंकि मैंने दो चीज़ें अवॉइड कर दी, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, वो जो भी थे वो अवॉइड कर दी। और दूसरी चीज़ अवॉइड जो हुई वो हुई मतलब यूजुअली वो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग और स्पार्क प्लग क्लीनिंग के चार्ज देते हैं, लेकिन थर्ड सर्विस में वो फ्री होती है तो उसके चार्जेस नहीं आए। जो हुआ वो ये इंजन ऑयल चेंज हुआ, डिस्टिल वाटर बैटरी और उसमें विंडशील्ड वॉशर में लगा, विंडशील्ड वॉशर का वो आया शैम्पू, उसके बाद में एयर फिल्टर क्लीन हुआ, उसके बाद मतलब क्लीन किया, एयर फिल्टर चेंज हुआ और इंजन ऑयल फिल्टर जो है वो चेंज हुआ। तो टोटल चार्जेस इन सब के मिला के 1429 हुए। सबसे महंगी चीज़ जो है वो ऑब्वियसली इंजन ऑयल रहा 854 रुपये का, उसके बाद में एयर क्लीन फिल्टर जो है वो रहा 252 रुपये का। बस यही था, बाकी सब फ्री सर्विस में इंक्लूडेड था। तो 1400 रुपए की सर्विस महंगी नहीं है आई बिलीव। मिनरल ऑयल डलवाया मैंने, सिंथेटिक नहीं डलवाया क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा गाड़ी चलेगी नहीं अब, और ज़्यादा लंबी ट्रिप्स ना हो तो मुझे नहीं लगता सिंथेटिक ऑयल ज़्यादा कुछ काम करता है। हालांकि गर्मी आने वाली है बट स्टिल कोई खास वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और टायर चेंज करने के लगे 5300 रुपीज़ में, व्हील अलाइनमेंट फ्री था एक टायर के साथ में, तो वो वाला बेनिफिट है। पता नहीं और कोई ऑफर करता है या नहीं करता। बाकी जहाँ मैं गया था, जो मैंने अभी नाम बताया शॉप का, वहाँ पे तो व्हील अलाइनमेंट फ्री था टायर के साथ में। और बस यही था, सब काम हो गया। एक वो मैप एवीएन वाला अपडेट देखते हैं होता है नहीं होता। बाकी तो आई होप कुछ आपके डाउट्स हो कुछ वो तो नीचे लिख दीजिए। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक नया ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।